What were we discussing? We were discussing about cross trial balance. Yeah, net ho gaya hamara. Net trial balance we have discussed. Now come to the gross trial balance. अब ये gross trial balance क्या होता है? ठीक है, ध्यान से सुनो हाँ, मैं जो बोल रही हूँ gross trial balance के बारे में. So if I tell you my sales is 20,000, okay, and my sales return is say 5,000. So my answer is how much? 15. So this 15,000 is my net sales, and this 20,000 is my gross sales. Samjha? तो हम क्या करते हैं ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में? वी प्रिपेयर बोथ द साइड्स. वी प्रिपेयर द डेबिट साइड ऑल्सो, वी प्रिपेयर द क्रेडिट साइड ऑल्सो. सो सेल्स हैव विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. तो यहाँ लिखती हूँ मैं 20. सेल्स रिटर्न ऑपोजिट 5,000. दोनों का डिफरेंस कितना है? 15, राइट ना? तो ये है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस का एग्जाम्पल. और यही चीज अगर मैं नेट ट्रायल बैलेंस में बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? नेट ट्रायल बैलेंस में सेम इफेक्ट. हाउ विल आई गिव सेल्स? आई विल जस्ट डायरेक्टली राइट 15,000 इन द क्रेडिट कॉलम. व्हाई? बिकॉज रीजन, बिकॉज 20,000 माइनस 5,000 इज हाउ मच? 15,000. On the credit side, it is more. So see, answer is same. There is no change in the answer. Whether you do gross trial balance or you do net trial balance, net effect is same. Answer will not change. Are you getting this? Acknowledge in the chat box. समझ में आया मैंने क्या बोला? Gross trial balance और net trial balance के बीच में difference समझ में आया? Gross trial balance में हम दोनों side लिखते हैं. Debit side भी लिखते हैं, credit side भी लिखते हैं. मतलब हम लोग जैसे ledger balance कैसे करते हैं? डेबिट साइड का टोटल निकालते, क्रेडिट साइड का टोटल निकालते, फिर हम डिफरेंस देखते हैं कौन से साइड में जाएगा, डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा. जहाँ कम होता है फिर हम वहाँ डिफरेंस बैलेंस डालते हैं. बराबर ऐसा ही बनता है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस लाइक अ लेजर. ओके, क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस ट्रायल बैलेंस एंड नेट ट्रायल बैलेंस. दैट्स व्हाई आई सेड कि जब मैं सम करूँगी तब आपको थ्योरी, कुछ थ्योरीज और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके, व्हेन यू डू द सम्स. समझ गया ना? और एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ इसमें. वन मोर कॉन्सेप्ट आई विल टेल यू अबाउट क्रॉस एंड नेट ट्रायल बैलेंस. जैसे डेटर्स है, ठीक है, से डेटर्स है 50,000. ओके, इसमें मेरे पास बैड डेट्स भी है. से 5 बैड डेट्स है मेरा 10,000. तो मेरा आंसर कितना है? 40. इसको बोलते हैं ग्रॉस डेटर्स और इसको बोलते हैं नेट डेटर्स. ठीक है, तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, आई विल शो यू बोथ द ट्रायल बैलेंस. या ओके, सो व्हेन यू मेक द ट्रायल बैलेंस, व्हेन यू मेक द ग्रॉस ट्रायल बैलेंस एंड व्हेन यू मेक द नेट ट्रायल बैलेंस. तो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो क्या होगा? डेटर्स लिखोगे, डेबिट, क्रेडिट. डेटर्स हैव डेबिट बैलेंस, तो 50 यू विल राइट हियर एंड 10,000 यू विल राइट हियर बैड डेट्स. ठीक है, सो 50 एंड 10 इज हाउ मच? 40. और जब हम नेट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हम क्या करते हैं? डेबिट क्रेडिट हम सीधा 40 लिखते हैं नेट में. हम 50 10 लिखते ही नहीं है, सीधा 40 लिखते हैं. समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज ग्रॉस एंड नेट. ओके, ग्रॉस को यू राइट इट लाइक अ लेजर, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. ओके, और समझ में आ जाता है, डिफरेंस इज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड. नेट में ऐसा नहीं होता है. नेट में वॉट एवर इज योर क्लोजिंग बैलेंस इन द लेजर, यू रिकॉर्ड ओनली दैट डायरेक्टली. ओके, तो इस बेसिस पे बना है आपका ये राजू ट्रायल बैलेंस द ग्रॉस वन. ठीक है, या
इसका बेसिस भी सेम है, सेम बेसिस पे ये बना है. आई शो यू कैश का डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड टोटल और ये क्रेडिट साइड टोटल है कैश का. ओके सी आई शो यू द कैश बुक. सी कैश बुक का डेबिट साइड टोटल 2,43,000 एंड व्हेन यू टोटल दिस यहाँ से लेके यहाँ तक क्रेडिट साइड टोटल एक बार आपको करके दिखा देती हूँ. 35,000 प्लस 1,050 सो दैट यू अंडरस्टैंड प्लस 35,000 प्लस 1,050 प्लस 58,330 प्लस 26,000 प्लस 2,800 प्लस 73,000 सी 1,96,180 Got it? I hope is it clear now? See, debit, credit, cash, okay? Ledger जैसा, ledger का debit, उस ledger का debit side total करो, उस ledger का credit side total करो और लिख दो. That is called as gross trial balance. और net पे क्या हुआ था? Net में हम लोग ने, मैंने directly लिखा था, जो closing balance था cash का. Am I clear? Everyone, then capital, credit. Capital के debit side में कुछ था ही नहीं, no item was there. So zero, or you can put a dash. Furniture account, debit side balance was 25, credit side total was 250. Okay, and see here also, capital 2 lakhs, furniture see, 24,750 debit. Because 25,000 minus 250, so debit side is more, na? So I will write 24,750 there. So net effect is there. Nukul Furniture Home, 25,000 credit. There is nothing on the debit side total. So put a zero. Modi and Sons, 61,400. Credit side total is also 61,400. इसमें क्या होता है? ये पता, इसमें पता चलता है. Gross trial balance में tally accounts पता चल जाते हैं. Okay? Okay, so one more feature of gross trial balance you came to know, that you come to know about the tally accounts. Okay, yeah, whether in net trial balance, aapko tally ledgers nahi malum padta hai in the net trial, because we don't take it only na, tally ho gaya na, koi closing balance hi nahi hai. Hum to net trial balance, we prepare on the basis of closing balance. Okay, so we don't come to know about which ledgers have got tallied, yeah. So in gross trial balance, you come to know about which ledgers have got tallied. Purchase account. 1,95,700. There was nothing on the credit side. Delhi Traders, see, it got tallied. 73,300. Tallied. Okay. This Bhatia account also tallied. Okay, this Ganesh account also. So in gross trial balance, you come to know about the ledgers which have got tallied. Okay, yeah. Got the difference? Is it clear? Understood? Okay, that's it. Sales bhi on the credit side balance is there. Debit side mein kuch nahi hai. So you can write zero or you can put a dash. Bhatia account gets tallied. Stationery account mein debit side there is a balance. Credit side mein no item was there. So no figures are there. Bad debts 1,000. Rent 2,800. Depreciation 250. Discount debit side was 160 and credit side was 3,370.
okay, obviously it will tally because net effect same hai. The gross trial balance, okay, yeah. Gross trial balance is also known as total method. Okay, see here it is written totals method. So don't think in exam agar pucha totals method. So don't think अरे मैम ने तो हमको सिखाया नहीं totals method. Totals method मतलब gross trial balance. ठीक है, I have covered each and every aspect of the syllabus. Whatever is there in your syllabus, I have taught you now everything. Okay, so obviously net trial balance is better than gross trial balance because net trial balance में हम सीधा जो भी ledger का closing आता है हम सीधा वो लिखते हैं. तो आप सोचो ना, अगर आप gross trial balance करते हो तो there are 16 ledgers, 16 accounts you have to write. Okay, बराबर ना, there are 16 accounts that you are writing. See, 1 to 16, बराबर, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5 5 accounts get tallied. So 16 minus 5 is 11. So when you make net trial balance, you will find only 11 entries here, only 11 ledgers here. Okay, so that's the beauty and that's the difference between net and gross trial balance, that the tally account ledgers are not seen in the net trial balance. तो उतना हमारा efforts कम हो जाता है, उतने efforts कम लगेंगे ना ledger बनाने के लिए. Okay, now come to this very important part. There is one more aspect which I wanted to discuss with you all. This part is, yeah. Yeah, students, see this question. Journalize the following transactions in the books of Mr. Jamshed, post them into ledgers and balance all the ledger accounts. Theek hai, no issues in that. Yeah. You can even prepare a trial balance after this, right? Yeah. So business started with cash 550,000, machinery 40, furniture 20, loan from Ratan 10, and bills payable 5. Okay. So the journal entry will be what? Cash account debit 50, machinery debit, furniture debit. Why? Because all these things have come inside the business. Debit what comes in, correct? Yeah. Cash is a real account, furniture and machine is also a real account. Real account rule is debit what comes in. Yeah. Two, Ratan ne loan liya hai. I mean Jamshed ne loan liya hai Ratan se. So credit. Yeah, giver of benefit, na? Yeah, Ratan is what? Personal account. Personal account, credit the giver. Bills payable, yeah. It's a real account, but it's a current liability. So it is credit. Capital. So the difference will be capital. Capital wo kitna laya wo diya nahi hai question mein. Okay, yeah. Wo kitna capital laya wo pata nahi hai. तो कैसे करोगे, 50,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, 1,10,000. 1,10,000 में से 10,000 माइनस करो, 5,000 माइनस करो बिल्स पेबल, कितना बचा, 95. तो ये है कैपिटल अकाउंट. ओके, इतना वो हैज कैपिटल लेके आया. ओके, क्लियर विद दिस पार्ट? सो इतना वो कैपिटल लेके आया, ये भूलना मत. ठीक है, नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर रुपीज 10,000 फॉर ओपनिंग एन अकाउंट. ठीक है, तो बैंक इज व्हाट? बैंक विल बी डेबिट. व्हाई? बिकॉज बैंक इज द रिसीवर नाउ. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, या रिसीवर ऑफ बेनिफिट, डेबिट टू कैश.
real account rule, credit what goes out, so bank to cash. Next, goods purchased from Mr. Dhirubhai, rupees 50,000 at 10% TD, okay, trade discount. तो 50,000 का 10% कितना होता है 5,000, तो 50 में से 5 किया कितना 45, तो 45,000. ओके, सो राइट द जर्नल एंट्री. या परचेज अकाउंट डेबिट टू धीरूभाई अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू धीरूभाई, डायरेक्टली राइट द फिगर 45,000. ओके, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट सीन इन जर्नल एंट्री, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, ओनली कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड. ओके, and in narration you can write being goods purchased at 10% TD. Next, sold goods to Mr. Mafatlal of rupees 10,000 at 10% TD and 10% CD, half amount received in cash and half received by check. Okay, fine, so do this working note. Yeah, goods are sold for how much? 10,000. पहले उसका 10% लेस करो, 10,000 का 10% इज 1,000, सो आंसर इज 9,000. नाउ दिस 9,000 पे कैश डिस्काउंट दो, ओके 900, एंड देन डिवाइडेड. सो 9,000 का 10% इज 900, 9,000 माइनस 900 8,100. नाउ दिस 8,100 यू हैव टू डिवाइड, 50 इज पेड इन कैश एंड बाकी का 50 इज पेड इन चेक. Okay, like this. Okay. Or you can even do like this. Yeah, this option is also correct. Ye wala. Okay. You can first divide half and then cash discount minus kar sakte ho. Both the methods you will get the same answer. Okay, either you do this or you do this. Both the ways you are going to get the same answer. Answer will not change. Okay. So what will be the journal entry? Cash account debit 4050, bank debit. Why bank? Because usne check diya. Clearly bola. Okay, yeah. Discount debit to sales. Cash debit. Bank debit, discount debit to sales. Next, 18th. Paid salary, rupees 500, wages 200 and interest 300. Okay. These are all my expenses. Expenses are what? Nominal account. Nominal account ka kya rule hai? Debit all the expenses and losses. So what will be my journal entry? Salary account debit. Wages account debit, interest account debit to cash. Barabar? Yes. Okay. Yeah. Salary account debit, wages account debit to cash. Interest account debit to cash 1,000 rupees. Next. Receive commission rupees 1,000 and dividend rupees 3,000 by check. Okay, check matlab bank word aayega. So bank account debit to commission and to dividend. Receive hua hai na, so bank is the personal account, debit the receiver. To commission and dividend kya hai idhar? मेरे नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट सेज व्हाट? विद द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम. तो ये जो कमीशन है आई एम नॉट पेइंग, समबडी इज पेइंग टू मी, फॉर मी इट इज इनकम. ये जो डिविडेंड है आई एम नॉट पेइंग द डिविडेंड, समबडी इज पेइंग डिविडेंड टू मी, फॉर मी इट इज अ इनकम. नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम धीरूभाई ऑफ रुपीज 20,000 at 10% TD and 10% CD and half amount paid in cash. Okay, fine. Theek hai. So do this working note. 20,000 less 10% TD. 20,000 ka 10% is 2,000. So my answer is 18. 18,000 ko divide in half. Half money is in cash
दैट मीन्स बाकी का हाफ इज इन चेक, बाकी का हाफ इज क्रेडिट, इसका ये मतलब होता है. हाफ मनी इज इन कैश, मतलब आधा कैश सेल्स हुआ है, इसका ये मतलब है. व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में बोला नहीं बाकी का हाफ क्या, तो यू अज्यूम कि बाकी का हाफ इज क्रेडिट सेल्स. ओके, तो ये जो है 9000, ये इस पे मिलेगा आपको कैश डिस्काउंट, इस पे नहीं मिलेगा. ओके, डोंट कैलकुलेट सीडी ऑन दिस 9000, या इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन कैश डिस्काउंट एंट्री, ऑन कैश. ठीक है, सो राइट डाउन द जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू मिस्टर धीरू भाई, टू कैश डिस्काउंट. परचेज करते वक्त अगर डिस्काउंट हुआ है तो वो मेरा इनकम है, उतना मुझे कम भरना पड़ रहा है. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू मिस्टर धीरू भाई, टू कैश डिस्काउंट. नेक्स्ट 25th, सोल गुड्स टू मिस्टर बिरला ऑफ रुपीज 10,000, 2% सीडी एंड 10% टीटी. Receive 1/4 amount in cash, 1/4 amount by check. Okay, 1/4 amount by check. ठीक है, चलो एक चीज याद रखो students, हमेशा पहले trade discount होता है फिर cash discount. Now in the question they have given you first cash discount and then trade discount, but you will not follow this. You will follow first, it is always trade discount. पहले तुमको मैन्युफैक्चरर जो डिस्काउंट अवेल करता है वो मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट दैट इज ऑन गुड्स, फिर उसके बाद आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, वाइस वर्सा नहीं होता है. ओके, या सो कम टू 25th दिसंबर, 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. ओके, तो माय आंसर इज 9,000. अब 9,000 को डिवाइड करो, 1/4 मतलब 25% कैश, 1/4 बोला है चेक, तो बाकी का बैलेंस इज व्हाट, क्रेडिट सेल्स. ओके फाइन, या सो 9,000 का 1/4 इज 2250, दिस इज 4,500. सो जो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा ना बच्चा, वो इस पे मिलेगा, कैश और ये चेक जो आपने दिया है उस पे, वरना नहीं मिलेगा. ओके, सो ये जो 4,500 है इसमें तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट ट्रेड डिस्काउंट तो फ्लैट पहले ही मिलता, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, सो योर जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, बिरला डेबिट. व्हाई? बिकॉज 50% क्रेडिट सेल्स भी हुआ है, तो द पार्टी नेम इज इंपॉर्टेंट. Two sales, cash debit, discount debit, bank debit, Birla debit, two sales. Okay, and this is the calculation part. Repeat, 1/4 is in cash, 1/4 is in check. Baki 1/4 kitna hota hai? Half. Barabar na? To baki ka half ke bare mein kuch nahi bola hai. Matlab wo credit sales hai. ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर? एक्नॉलेज्ड इन द चैट बॉक्स. देन पेड सैलरी वेजेस इंटरेस्ट बाय चेक, वेरी गुड. सैलरी वेजेस इंटरेस्ट चेक से भरा है, ठीक है, चेक से भरा है तो आई यूज द वर्ड बैंक. ओके, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो ये तीनों मेरे एक्सपेंसेस है, ये नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बैंक. व्हाई टू बैंक? चेक से पे हुआ है ना, बैंक ने पे किया, तो गिवर ऑफ बेनिफिट. नेक्स्ट 29th, receive commission from Mr. Anil. Commission mila hai, okay. It's a income, yeah. So cash is received, that means.
कैश इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, कमीशन, कमीशन इज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट. ओके, तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, एक्सपेंसेस को डेबिट करने का, इनकम्स को क्रेडिट करने का. दिस इज एन इनकम टू मी, सेल क्रेडिट. And the last part, withdrawn for personal use from office, cash 600 and from bank 400. Drawings. Okay, yeah. Why drawings? Because it is a proprietor who is a receiver of benefit. Okay, yeah. So drawings account debit 1000 to cash and to bank. Why to bank? Check ki wajah se. Okay, then if you want, you can take the total of the debit side and the credit side. Okay, so I hope the sum is clear to everyone. Everyone. Okay, and this is the probable ledger you will make, cash, bank, machinery, furniture, ratans, loan, bills payable, capital, purchase, sales, discount, dhirubhai. Ye sab ledgers banana hai. Okay? Sorry. And the probable. Yeah, Shivani, what are you asking? If it is check, which direct transfer are you talking about, Shivani? Cash directly deposit, you are saying. Cash deposits into bank. Are you talking about that? Are you talking about cash deposits in bank, Shivani? Yes, तो cash deposit in bank का entry आएगा, bank account debit to cash. Cash is deposited in bank, right? तो who's receiving? किसके पास पैसा आ रहा है? Bank के पास. तो bank is what? Personal account. Personal account rule, debit the receiver. To business के point of view से सोचो. Business के point of view से तो cash बाहर जा रहा है. भले तुम्हारे ही खाते में जा रहा है, bank में ही जा रहा है, but business से तो बाहर जा रहा है ना. तुम्हारे pocket में तो नहीं है ना, अभी cash in hand नहीं है ना. अब वो तुम्हारा कैश इन हैंड कैश एट बैंक बन रहा है, बराबर. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. तो कैश इज रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्लियर? या ठीक है. तो कैश बुक में इसका कॉन्ट्रा एंट्री दिखता है, कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री है ना. कैश कॉलम में भी दिखेगा, बैंक कॉलम में भी दिखेगा, बराबर. हाँ.